आपने सही सुना, रोबोट को ट्रेंड करने वाला एआई एजेंट या एआई टूल बन गया है। उसको बनाने वाली कंपनी का नाम है एनवीडिया और उस टूल का नाम है यूरेका। यूरेका में ऐसी फंक्शनलिटी है, ऐसी कैपेबिलिटी है जो ऐसा एल्गोरिदम जनरेट करेगी जिस एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग रोबोट को ट्रेंड कर सकते हैं। तो इसके पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, कौन कौन से टेक्निकल टर्म यूज हुए हैं, कौन सी पाइथन की लाइब्रेरी यूज हुई है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज हुआ है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल का उद्देश्य केवल न्यूज बताना नहीं है, न्यूज के पीछे जो टेक्निकल टर्म है उनको डिस्क्राइब करना, उनको एक्सप्लेन करना, ताकि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिलेटेड जो टर्म है उसके बारे में अच्छे से जान सकें, सीख सकें। तो इस टूल को बनाने के पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है GPT-4 नेचुरल लैंग्वेज एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग। रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, और इस टूल को बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म का यूज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा इस टूल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, यूरेका एंड AI एजेंट फॉर रोबोट ट्रेनिंग। देखिए अब यह टूल काम कैसे करेगा और यह ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करेगा इसके बारे में जानते हैं। एनवीडिया रिसर्च हैज डेवलप्ड एन AI एजेंट फॉर यूरेका दैट कैन ऑटोमेटिकली जनरेट एल्गोरिदम टू ट्रेन रोबोट टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स स्किल यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, इस तरीके से एनवीडिया ने एक ऐसे टूल का निर्माण किया है जिसका नाम है यूरेका, जो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम जनरेट करेगा जिसका यूज करके हम लोग रोबोट को ट्रेन कर सकते हैं। इसके पीछे टेक्नोलॉजी यूज हुई है नेचुरल लैंग्वेज एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग, दो तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हुई है। दोस्तों ये जो नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, ये सभी जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट का लिंक है। ये लिंक आपको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, ये github.ai आसान है, AI ML नोट्स, यहाँ पे ये सभी चीजें दी हुई हैं। एनवीडिया आइसेक जिम क्या है, पाइथन रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है और रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, ये सभी टेक्निकल चीजें हैं। AI ML DL से रिलेटेड उसका सभी यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको पाइथन के कोड भी मिल जाएंगे जो मैं आगे आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड, अगली स्लाइड देख लेते हैं, अगली स्लाइड क्या कह रही है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोग रोबोट को ट्रेन करते हैं। अब इस रोबोट को जब ट्रेन किया गया तो उससे ट्रेन करने के बाद उसकी टेस्टिंग भी की गई कि कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो यूरेका वाज एबल टू ट्रेन ए रोबोटिक हैंड टू स्पिन ए पेन एज वेल एज ए ह्यूमन। ठीक है, उसको छोटे छोटे टास्क करवा करके देखे गए कि आखिर में जो हमने रोबोट बनाया है क्या हमारा टास्क परफॉर्म करने के लिए अच्छी तरह है या नहीं, क्या तैयार है कि नहीं। साथ ही साथ उसको जो दो चार और छोटे टास्क है, लगभग 30 छोटे छोटे टास्क करवा करके उसकी टेस्टिंग की गई। ठीक है, जैसे दरवाजे को खोलना, अलमारी को खोलना, या टॉस करना, या बॉल को कैच करना, इस तरीके से जो छोटे छोटे टास्क है उससे करवाया गया और जिसका सभी का सभी रिजल्ट जो है दोस्तों पॉजिटिव निकला। अभी यूरेका वर्क कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। यूरेका टेक्स द रोबोटिक सिमुलेशन एनवायरनमेंट एज इनपुट कॉन्टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ कोड। ठीक है, कोड के फॉर्म में यह इनपुट ग्राफ करता है एंड देन यूज इट टू बिल्ड रिवार्ड फंक्शन आल एल्गोरिदम दैट हेल्प रोबोट टू लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर। तो दोस्तों यह ट्रायल एंड एरर कॉन्सेप्ट है या रिवार्ड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है यह रिइंफोर्समेंट लर्निंग से रिलेटेड है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, जहां पे एजेंट एनवायरनमेंट से खुद सीखता है कि उसके लिए पॉजिटिव पाथ कौन कौन सा है, कौन सा रिवार्ड फंक्शन है। रिवार्ड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका यूज करके रोबोट जो है पॉजिटिव टास्क करता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, या ऑटोनोमस कार है, उसमें भी रिइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज किया गया है। यह एक AI का कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके रोबोट इन्वायरमेंट से सीखता है और खुद ही उससे ट्रेंड होता है। जैसे मुझे किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और उसमें दरवाजा हो और अलमारी हो या खिड़कियां हो और मुझे रात में प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठा, मुझे नहीं पता कहाँ दरवाजा है और मैं कभी कभी दीवार से टकराऊंगा, कभी खिड़की से टकराऊंगा, कभी अलमारी टकराऊंगा, ऐसा करते करते मुझे एक बार दरवाजा मिल जाएगा। तो जिस एक्शन को करने से मुझे दरवाजा मिला था वही एक्शन मैं बार बार रिपीट करूंगा, वह मेरे लिए बेस्ट एक्शन होगा, वह मेरे लिए रिवार्ड होगा। इस तरीके से रोबोट खुद ही अपने आप अपने लिए रिवार्ड फंक्शन क्रिएट करता है और रिवार्ड जितना ज्यादा होगा उतना उसकी फंक्शनलिटी ज्यादा होती होगी। दोस्तों इसे ही रिइंफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है। अब एनवीडिया कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करता है इस टूल को बनाने के लिए, इस टूल को के पीछे जो टेक्निकल टर्म है उसके पीछे कौन सा प्लेटफॉर्म लगा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो एनवीडिया यूज इट्स आइसेक जिम प्लेटफॉर्म टू टेस्ट देयर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये आइसेक जिम प्लेटफॉर्म है क्या इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने गिटहब वाले अपने रिपोजिटरी पे और वहां पर हम देखते हैं एनवीडिया का आइसेक सेटअप क्या है, जिसको हमने ओपन किया और कुछ ही देर में आपके पास ओपन हो जाएगा और देख लेते हैं कि यह है क्या। तो एनवीडिया आइसेक जिम इज ए प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर रोबोटिक्स एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है,
रोबोटिक्स एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज द पार्ट ऑफ एनवीडिया एफर्ट टू ऑफर इको सिस्टम फॉर रोबोटिक डेवलपमेंट। मतलब एनवीडिया का जो रोबोटिक डेवलपमेंट होता है उसके पीछे जो प्लेटफॉर्म यूज होता है उसका नाम है एनवीडिया आईसेट जिम। ठीक है, ये करता क्या क्या है, जीपीयू एक्सेलरेशन करता है और फिजिक्स सिमुलेशन करता है। इंटीग्रेशन विद डीप लर्निंग लाइब्रेरी, मतलब डीप लर्निंग जो लाइब्रेरी होती है उनके साथ भी ये इंटीग्रेट हो जाता है। इसके साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी है, या विजुअलाइजेशन करने में भी काम आता है। इसके साथ ये पाइथन एपीआई के साथ भी इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, या इंड टू इंड वर्कफ्लो बनाता है। दोस्तों इससे रिलेटेड जो डिटेल है, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई है आपको, जो एड्रेस मैंने अभी दिखाया था वहाँ पे github.com AI आसान है और AIML DL नोट्स, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इससे रिलेटेड जो टेक्निकल डिटेल है दोस्तों सभी की सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब एक थोड़ा सा मुझे देख लेते हैं कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है रोबोटिक्स में, और उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग पैराडिज्म वेयर एन एजेंट लर्न हाउ टू बिहेव इन एन एनवायरमेंट बाय परफॉर्मिंग एक्शन एंड रिसीविंग रिवार्ड एंड पेनल्टी। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एजेंट जो है इन्वायरमेंट सीखता है और जो अपने लिए जो उसको रिवार्ड या पेनल्टी मिलती है उससे वह आउटपुट जनरेट करता है। मैक्सिमम रिवार्ड होगा तो अच्छा आउटपुट जनरेट करेगा वो। ठीक है, एजेंट कौन होता है, द डिसीजन मेकर आर लर्नर, जैसे रोबोट है वो एजेंट हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है, एवरीथिंग दैट एजेंट इंटरेक्ट विद। स्टेट क्या होता है, द करेंट सिचुएशन और कॉन्फिगरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। एक्शन जो कि एजेंट करता है उसको एक्शन बोलते हैं। ये सभी बहुत सिंपल सिंपल टर्म है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी टेक्निकल टर्म का यूज किया गया है, अगर जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये टर्म तो काफी सिंपल है, उनको आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसलिए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एनवीडिया ने एक एआई टूल बनाया है जिस टूल का यूज करके हम लोग रोबोट को ट्रेन कर सकते हैं। उस टूल के पीछे जो प्लेटफॉर्म यूज हुआ है उसका नाम है आईसेक जिम। उस प्लेटफॉर्म का यूज करके उस ट्रेनिंग देने वाले टूल को बनाया गया है, और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वह नेचुरल लैंग्वेज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करके इसको बनाया गया है दोस्तों। तो ये रही आज की इन्फॉर्मेशन। उसको आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।